दोस्तों, मच अवेटेड नॉर्ड 2 इज हियर और मैं आपको एक बात बोलूं, बहुत एक्साइटेड हूं खोलने के लिए. एंड देयर इज अ रीजन. पहली बार ऐसे लग रहा है बहुत सालों के बाद कि वन प्लस एक फ्लैगशिप किलर जैसा कुछ फोन लेके आने वाला है. याद रखिए, वन प्लस मेड इट्स नेम ऑन फ्लैगशिप किलर. और ये जो है दोस्तों, ये वन प्लस नॉर्ड का सक्सेसर वन प्लस नॉर्ड 2 है. व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, व्हेन इट कम्स टू बैटरी एंड व्हेन इट कम्स टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बहुत बड़ा एक जंप है. एट द सेम टाइम दोस्तों, ये पहला फोन है जहां पे जो पीछे से इंटीग्रेशन हुआ है ओप्पो और वन प्लस का, उस OS के साथ आता है जो इंटीग्रेटेड कोड बेस का है. तो बहुत सारी चीजें देखने के लिए है OnePlus Nord 2 में. आज इसका अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं, बताने वाले हैं सब कुछ OnePlus Nord 2 के बारे में. आई एम होपिंग कि ये फ्लैगशिप किलर टेरिटरी के पास आ जाए. आई रियली होप सो. लेट्स ओपन एंड फाइंड आउट. ब्लैक बॉक्स Nord, Nord, Nord लिखा हुआ है. ऑलराइट, अप फ्रंट दोस्तों फोन है एंड Nord का वो ब्लू कलर, जी हाँ, जैसे उनके फ्लैगशिप फोन्स का रेड कलर होता है सिग्नेचर, वैसे ब्लू कलर है. ऑलराइट, क्या क्या है बॉक्स के अंदर? डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर? ओके, स्टिकर्स आते हैं, मेंबरशिप कार्ड आता है, क्विक स्टार्ट गाइड है, सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल. ऑलराइट, केबल इज नॉट ब्लू, इट इज स्टिल दैट सिग्नेचर रेड, जी हाँ, यूएसबी टाइप सी केबल. और दोस्तों ये है वार्प चार्ज 65, यस 65 वॉट का चार्जिंग आता है, फास्ट चार्जिंग. ऑलराइट, व्हाट एल्स? ओके, यू हैव अ केस जो अच्छी क्वालिटी की लग रही है, डाल के दिखाऊंगा. लेट्स कीप दिस असाइड, लेट्स लुक एट द फोन. OnePlus Nord 2 कहूं या OnePlus 9 Lite कहूं? बिकॉज इट लुक्स वेरी सिमिलर टू OnePlus 9. ये देखिए, लुक एट दैट. जी हाँ, बड़े दो सेंसर्स हैं इधर एंड दैट अगेन दैट ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर. दोस्तों ये जो है ये हेज ब्लू है, इसमें ग्रे सियरा आता है एंड ग्रीन वुड भी है. सो ग्रीन, ग्रे एंड ब्लू. ओके, इंटरेस्टिंग इन हैंड फील है, हेफ्टी लगता है. जी हाँ, हाथ में जो है हेफ्टी लगता है डेफिनेटली. एंड टूवर्ड्स वेटियर साइड थोड़ा ज्यादा वेट लगता है, बट बिल्ड वेरी वेल. ऐसे लगता है कि हाथ में जब आप लोगे, ये फोन जो है प्रीमियम है, अच्छा है, वेल बिल्ट है. ऐसे ही कुछ ये फोन है. आई विल से इट लुक्स क्लोज टू अ फ्लैगशिप फोन. एंड केस डालने के बाद, गुड क्वालिटी केस, अच्छी है, तगड़ी है केस भी दोस्तों. इट लुक्स नाइस दोस्तों, लुक एट दैट. ऑलराइट, गिराए गिराना. केस इतनी अच्छी है दोस्तों, कुछ नहीं होगा, थोड़ा जोर से भी गिरा देता हूँ. ओके, इसमें स्क्रैच कार्ड आया हुआ है जहां पे ऑलरेडी बबल आ गया है, तो मैं उसे भी निकाल देने वाला हूँ. ऑलराइट, इन हैंड फील मैं कहूंगा ठीक ठाक है, नॉट द बेस्ट, नॉट द वर्स्ट, बट फील्स गुड. छोटे हाथ होंगे तो थोड़ा आपको बड़ा लगेगा. वैसे चलिए वेट करते हैं. क्लोज टू 200 ग्राम्स, या 189 ग्राम्स. हाँ, नाइस, बहुत ही डिफरेंस. मुझे लगा था क्लोजर टू 200 ग्राम्स, 195 टू 200 ग्राम्स, बट इट इज 189 ग्राम्स. शायद वो हेफ्टी लगता है हाथ में, इसलिए मुझे थोड़ा वजन ज्यादा लगा. वैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ठीक ठाक है दोस्तों, नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल. ऑलराइट, आगे और पीछे दोनों ही तरफ ग्लास आता है दोस्तों. वन प्लस इज नॉट टोल्ड कि भाई कौन सी ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 4, 3, 5, नहीं पता हमें, बट आगे और पीछे दोनों ही तरफ ग्लास आती है. एंड फ्रेम जो है दोस्तों, दैट इज प्लास्टिक. चलिए दोस्तों, पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं. नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप सी, माइक्रोफोन एंड सिम कार्ड ट्रे है. लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, अप एंड डाउन सिंगल बटन आता है. एंड दिस बटन्स आर क्वाइट क्लिकी टू बी ऑनेस्ट, मतलब जब आप दबाते हो इट फील्स नाइस सॉलिड. ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन आता है. राइट हैंड साइड यू हैव द अलर्ट स्लाइडर, यस दैट्स अ बिग थम्स अप, एंड पावर ऑन ऑफ बटन उसके नीचे. और दोस्तों इसका जो सिम कार्ड ट्रे है, दैट इज, या इट्स अ ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट. जी हाँ, एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है इसमें. टाइम टू स्टार्ट द फोन, देख लिया बाहर से, अब देखते हैं अंदर. जब तक स्टार्ट हो जाता है, हम सेटअप करते हैं दोस्तों. वीडियो अच्छा लगता है हमारा, अनबॉक्सिंग अच्छा लगता है, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इफ दे आर इंटरेस्टेड इन दिस फोन. वैसे सब्सक्राइब नहीं है वो भी कर दीजिएगा. लुक एट दैट डिस्प्ले दोस्तों. जी हाँ, वन प्लस का जैसे डिस्प्ले होता है वैसे ही कुछ दिख रहा है. दिस इज अ 6.43 इंच का डिस्प्ले दोस्तों. 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है, सुपर एमोलेड है, HDR 10+ का भी सपोर्ट है. और दोस्तों स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता, बट
साइड के बेजल्स ऊपर के बेजल्स पतले हैं, नीचे की चिन भी मैं कहूंगा स्लाइटली स्मॉलर देन एवरेज है, ओवरऑल नाइस। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायमेंसिटी 1200 पे आता है। यस, डायमेंसिटी 1200 जो 6nm फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसमें तीन वेरिएंट्स है, बेस वेरिएंट 6128 है, फिर 8128 है। हमारे पास जो है दोस्तों वो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है 12GB 256GB। अच्छी बात ये है कि स्टोरेज टाइप जो है दोस्तों UFS 3.1 आता है, तो रीड राइट स्पीड अच्छे हैं इसके, एंड LPDDR4X RAM। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा इधर। याद रखिए ये Nord का सक्सेसर है, अगर और Nord के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 765G ये प्रोसेसर मिलता था। और अगर मैं Dimensity 1200 ऑन पेपर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो परफॉर्मेंस इज नियरली डबल्ड। जी हां, सो दैट्स अ बिग जंप। इसका जो अंतुतु स्कोर आता है Dimensity 1200 का, हमारा जो वेरिएंट है 12256 का, उसका 680,000 के करीब आता है। दैट इज अ बिग जंप। जी हां, अगर आप 765 के पास देखोगे तो उसका स्कोर, अंतुतु स्कोर जो है वो अराउंड 4 लाख आता था, इसका 680,000 के ऊपर आता है। नाइस वन, नाइस बिग जंप। और एक बड़ी जंप मारी है बैटरी। जी हाँ, 4115 वर्सेस दिस वन हैज गॉट 4500, तो बड़ी बैटरी है। एंड चार्जिंग में भी दोस्तों डबल से भी ज्यादा है, 65 वॉट का चार्जिंग आता है। सो द एंटायर बैटरी 4500 की 30 मिनट के अंदर आपकी 0-100 हो जाती है। सो ओवरऑल एब्सोल्युटली ग्रेट अपडेट ऑन बैटरी एंड परफॉर्मेंस। बात करते हैं OS की, और जी हाँ दो तीन चीजें मुझे कहनी है इधर। जी हाँ, ऑक्सीजन UI है, क्लीन UI है एब्सोल्युटली, एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स। सब कुछ अच्छा है दोस्तों। 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट होने की वजह से आप जो स्क्रोल्स वगैरह करते हो, जो एनिमेशन वगैरह है, बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। बट दो तीन चीजें दोस्तों, ये जो इंटीग्रेटेड कोड बेस हुआ है पीछे की तरफ, उसकी वजह से कैमरा UI जो है दोस्तों, जो आपको कलर OS में मिलता है वही इसमें मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि मैं खुद OnePlus के फोन इस्तेमाल करता हूं एज माई डेली ड्राइवर, इट लुक्स अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस। जी हाँ, ऐसे लगता है कि यार ऑक्सीजन UI है या कलर OS है। यस, कैमरा UI कंप्लीटली कलर OS का आया हुआ है इसके अंदर। और भी दो तीन चीजें दोस्तों आपको कलर OS की दिखती हैं इसके अंदर। जी हाँ, स्पेशली आप बैटरी सेक्शन में जाओगे तो उधर हाई परफॉर्मेंस मोड वगैरह है, जो कलर OS में होता था वो इसके अंदर है। सो या, तो ऐसे लग रहा है दोस्तों कि कलर OS जो है इज क्रीपिंग इनटू ऑक्सीजन UI। एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग जो नहीं है अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर। जी हाँ, AOD आता है इसके अंदर, बट जो लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन है कलर OS के AOD में, वो इसके अंदर नहीं आए हुए। आई रियली होप्ड, अगर वो आता था तो सही में मजा आ जाता। सो आई विल से ऑक्सीजन UI मिक्स्ड बैग है ओवरऑल, लेकिन रेगुलर यूसेज में दोस्तों absolutely great, no problems, especially Dimensity 1200 and UFS 3.1 होने की वजह से मजा आएगा आपको यूज करने में। और दोस्तों इतना अच्छा स्कोर होने की वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं तो हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे, HDR पे खेल पाओगे, एंड हमने खेले दोस्तों लॉन्ग सेशंस खेले इसके ऊपर, मजा आया, मक्खन बटरी स्मूथ। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में, एंड मैं अगेन Nord के साथ कंपेयर करूंगा। दोस्तों Nord में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता था, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2। इसमें दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सेंसर है दोस्तों, दैट इज IMX766 सोनी का सेंसर है, एंड वर्क्स वेरी वेल बाय द वे। आगे की तरफ सेल्फी सेंसर 32 मेगापिक्सल। अगर मैं एक्चुअल फोटोज के बारे में बात करूं तो दोस्तों 766 जो प्राइमरी सेंसर है अच्छी तरह से काम करता है। कुछ फोटोज मैं दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन के ऊपर, जरूर देखिएगा, लेकिन जब अल्ट्रा वाइड पे जाते हो तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, जो शार्पनेस है थोड़ा कम हो जाता है। इवन द सेल्फी मैं कहूंगा कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, डायनेमिक रेंज अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े सॉफ्ट दिखे। जरूर देखिएगा आप स्क्रीन के ऊपर आपको ये फोटोज कैसे लग रहे हैं, नीचे कमेंट्स में जाके बताइए हाउ डू यू थिंक। बट एक चीज जरूर कहूंगा फिर से दोस्तों, 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है, इट वर्क्स रियली वेल। वैसे दोस्तों सरप्राइजिंग लगा कि वीडियो के मामले में स्लाइटली डाउनग्रेड है अगर आप Nord के साथ कंपेयर करते हो। इसमें पीछे की तरफ आप 4K 30fps कर पाओगे, जो आप Nord में भी कर पाते थे, बट आगे Nord में 32 मेगापिक्सल के साथ आप 4K 60fps वीडियो खींच पाते थे। इसमें देयर इज नो सपोर्ट फॉर 4K, शायद अपडेट के बाद आ जाएगा, बट राइट नाउ आउट ऑफ द बॉक्स यू डोंट गेट इट। नाउ दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। बात करते हैं सेंसर्स की दोस्तों, सभी सेंसर्स आते हैं ऑब्वियसली। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी है, दोनों भी अच्छी तरह से चलते हैं, दे आर फास्ट एंड रिलायबल। कनेक्टिविटी दोस्तों एक्सीलेंट कनेक्टिविटी, जी हां, क्योंकि 5G आता है एंड 11 बैंड्स को सपोर्ट करता है। डायमेंसिटी के प्रोसेसर्स के बारे में ये बात अच्छी है दोस्तों, ज्यादा बैंड्स का सपोर्ट मिलता है आपको, एंड 11 बैंड्स का टोटल
सपोर्ट मिलता है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट आता है, वाईफाई के लिए दोस्तों वाईफाई 6 मिलता है विच इज गुड, ब्लूटूथ 5.2 भी है एंड NFC भी है, सो वेरी नाइस देयर। एंड कैरियर एग्रीगेशन हमने टेस्ट करने को ट्राई किया दोस्तों, डायमेंसिटी 1200 के साथ कुछ इशू है, लेकिन आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई कैरियर एग्रीगेशन है या नहीं। बात करते हैं मल्टीमीडिया के बारे में दोस्तों, एंड दिस इज अ ब्राइट स्क्रीन, इट्स अ एमोलेड स्क्रीन, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस मजा आता है, जो साइड व्यूइंग एंगल्स वगैरह दोस्तों बहुत अच्छे हैं। स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं, जी हाँ, एक डाउन फायरिंग है और ऊपर ईयर पीस में आपको स्पीकर्स मिलते हैं जो लाउड है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। अगेन यू विल गेट अ फ्लैगशिप एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू मल्टीमीडिया और नॉट। और हाँ दोस्तों, मल्टीमीडिया में एक चीज कहना चाहूंगा, 3.5 mm जैक नहीं आता है इसके अंदर, नो 3.5 mm जैक। ऑलराइट, बाकी के फीचर्स के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं दोस्तों। कैमरा टू API का सपोर्ट है, सो जी कैम आप इस्तेमाल कर पाओगे। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, इसका मतलब नेटफ्लिक्स HD स्ट्रीमिंग वगैरह करना है आपको, कर पाओगे, नो प्रॉब्लम्स। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, SAR वैल्यू इज विद इन लिमिट्स, नो प्रॉब्लम्स देयर, एंड यस नो IP सर्टिफिकेशन। या Nord 2 का फुल रिव्यू लेके आने वाले हैं दोस्तों, लेकिन मेरा पहला इंप्रेशन क्या है Nord 2 के बारे में दोस्तों, परफॉर्मेंस बिग जंप, बैटरी में भी मैं कहूंगा बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग बिग जंप। OS आई विल से आई एम न्यूट्रल अबाउट इट, जी हाँ, बिकॉज आई हैव टू येट टू गेट यूज टू इट। 4K नहीं है आगे की तरफ, 4K 60 FPS था Nord में, इसमें नहीं है। देर आर टू और थ्री थिंग्स विच आर अ डाउन साइड, बट बाकी बहुत बड़ी बड़ी जंप है। अब डिपेंड ये करता है किस प्राइस पे आता है। अगर दोस्तों 6GB 120GB वेरियंट 30,000 के नीचे आ गया, आई विल से इट इज अ रियली रियली गुड बाय। एंड लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि फ्लैगशिप किलर की टेरिटरी के पास जा रहा है ये। आई लाइक दिस फोन, जी हाँ, थोड़ा इन हैंड फील अच्छा होता, ठीक होता, बट स्टिल देर इज सो मच टू लाइक अबाउट दिस फोन, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक राइट नाउ। फुल रिव्यू के लिए जरूर रुकिएगा, लेके आने वाले हैं, डिटेल में सब कुछ बताएंगे उस वीडियो के लिए, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए दोस्तों के साथ, यू नो व्हाट टू डू। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।